सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि SSC ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है आपका रिजल्ट। SSC कॉन्स्टेबल GD का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हो गाइस। जैसे कि SSC ने कहा था कि 21st को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो गाइस SSC ने 20 तारीख को रात को ही 12 बजे से पहले पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था दोस्तों। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दूँ कि जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और तैयारी शुरू कर दें PST की। दोस्तों किसी भी समय आपकी डेट आ सकती है PST की, और जैसे मुझे कोई अपडेट मिलता है PST के रिगार्डिंग दोस्तों, तो मैं आपसे एक वीडियो बनाकर जरूर आपको इसे शेयर करूंगा। तो वह सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल की 4 लिस्ट बनी है और फीमेल की 4 लिस्ट बनी है, जिसमें दोस्तों एक लिस्ट है SSF एंड NIA की और 3 लिस्टें हैं, एक नक्सली मिलिटेंसी एरिया, एक बॉर्डर एरियाज़ की और एक है जनरल एरियाज़ की। ये चारों की चारों लिस्ट दोस्तों मेल में और फीमेल में दोनों में ही एप्लीकेबल हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चों की सिलेक्शन हुई है वो हुई है 1:10 में, यानी कि जो वैकेंसी थी दोस्तों वो थी 58,934। तो गाइस बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मोर देन 5 लाख, ठीक है, 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिला के, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को मिला के 5 लाख प्लस बच्चों को PST के लिए बुलाया गया, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाई, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले जो एरियाज है गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले एरियाज़ हैं वो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। अब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में दोस्तों हिमाचल, उसके बाद में आपका राजस्थान, हरियाणा, बिहार, ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश। इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है गाइस, और सबसे कम कट ऑफ गया है आपका साउथर्न रीजन में एंड गाइस आपका ईस्टर्न रीजन में, जितने भी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, आपका असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन स्टेट्स में बहुत ही कम कट ऑफ गया गाइस, क्योंकि यहाँ के जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है गाइस। और गाइस जज्बा तो बहुत होता है लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाले एरियाज मैंने आपको बता दिया है, हिमाचल, हरियाणा, आपका आंध्र प्रदेश, आपका बिहार एंड आपका यूपी भी बहुत हाई कट ऑफ गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही कट ऑफ हाई गई है। और हम बात करते हैं कि इसका अभी आप अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मार्क्स आप चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन 26 से 27 तारीख के बीच में आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे कैप्चा भरोगे। जब ये वाला कैप्चा भरोगे, जो कैप्चा आपको बताता हूँ, ये कैप्चा जब भरोगे आप यहाँ पे, तो आप वहाँ पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपके सामने आएगा रिजल्ट और मार्क्स। उस पर क्लिक करके आप अपने पर सब्जेक्ट में आप मार्क्स देख सकते हो कि मेरे पर सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। तो गाइस ये कुछ अपडेट देना था मैंने आपको इसके बारे में गाइस। ऐसा नहीं गाइस कि मैंने वीडियो गाइस, हाँ मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया रिजल्ट का गाइस, क्योंकि आपको पता है कि पता लग चुका था, काफ़ी यूट्यूबर्स ने बना दिया था गाइस, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से आपको नहीं बता रहे हैं दोस्तों। हाँ एक और आपका मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि आप पूछ रहे होंगे सर ये पार्ट ए एंड पार्ट बी का मतलब क्या है। तो गाइस पार्ट ए में आपके आते हैं हार्ड शिफ्ट और पार्ट बी में आती है ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट, यानी कि आसान से मुश्किल, और जो हार्ड शिफ्ट है बहुत ही टफ शिफ्ट थी गाइस। मेरे से एक बच्चे ने शेयर किया है कि सर हमने 75 मार्क्स के ऊपर 85 मार्क्स के ऊपर हमने एग्ज़ाम अपना दिया था, 85 पे हमारे नंबर थे, बिल्कुल सही था 85 का, बाकी मैंने सर अटैम्प्ट किया था तो, लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि सर मैंने 85 बनाए थे आंसर की में, मेरे 85 नंबर बने थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो गाइस मेरा नाम NIA में आ गया। तो यानी कि गाइस नॉर्मलाइजेशन हुई है, उस बच्चे के 11 नंबर बढ़ गए थे तो उसके मार्क्स हैं 95, जो कि आई थिंक वो टॉपर होगा। तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे 11 नंबर बढ़ गए थे 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है गाइस। तो मार्च की जो शिफ्ट थी गाइस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टफ थी, तो वैसे आपको बताना चाहूँगा। बाकी दोस्तों कट ऑफ जो गई है वो बहुत ही आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है, जो ईस्टर्न साइड से हैं और जो साउदर्न साइड से हैं उनकी कट ऑफ बहुत ही कम गई है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई इस बार गई है हरियाणा की, यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, उत्तराखंड की एंड हिमाचल प्रदेश की। ये जो स्टेट्स हैं इनकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है गाइस, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है हरियाणा की। जैसे कि आपको पता कंपटीशन बहुत होता है, हरियाणा ऐसा स्टेट है जो कि स्टडी में भी अच्छा है एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी अच्छा है,
और गाइस ये कट ऑफ मैं आपको बतानी थी कि चार लिस्टें हैं मेल्स में, चार लिस्ट हैं फीमेल में, जिसमें चार चार लिस्टों में से एक लिस्ट आपकी है नक्सली एंड मिल्टेंसी एरिया की, एक है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, एक है जनरल एरिया की और एक है आपकी SSF एंड NIA की। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हैं। और रिजल्ट मार्क्स कार्ड आप दोस्तों आप 26 से 27 तारीख के बीच में आपका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो कि आपके पर सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। ठीक है गाइस, पर सेक्शन में कितने मार्क्स हैं आप चेक कर सकते हो। और जिन बच्चों का नेम लिस्ट में नहीं है घबराए नहीं गाइस, अभी भी समय है, अभी भी चांस है कि नई लिस्ट आ सकती है गाइस। हम ये नहीं हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि न्यू लिस्ट आएगा, लेकिन गाइस अकॉर्डिंग टू दोस्तों जो न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि SSC GD में वेटिंग लिस्ट भी आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी आएगी गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी चांसेस हैं जिन बच्चों के नाम नहीं हैं। ठीक है गाइस, जिन बच्चों के नाम नहीं हैं उनकी भी आएगी, उनके भी चांसेस हैं, वेटिंग लिस्ट आएगी, दो लिस्टें मेल की और दो लिस्ट फीमेल के लिए आएंगी। ठीक है गाइस, मैं आपको कन्फर्म करके बता रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो अभी घबराए नहीं। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया इसके रिगार्डिंग, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसा होगा, अगर खबर मिली है तो दोस्तों ऐसा होगा। ठीक है, बाकी जो आपके मार्क्स हैं आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, आपके जो रॉ स्कोर हैं और आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स हैं, सब कुछ 26 से 27 तारीख के बीच में आपको पता चल जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर आपको बता देंगे कि आपका इस सेक्शन में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो वैसे आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो वैसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।